ईशान किशन ने एक बार फिर अपने बल्ले की धमक दिखा दी है। बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई है। इंडिया सी के लिए खेल रहे ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए इंडिया बी के खिलाफ सेंचुरी लगाई। बड़ी बात यह है कि इंडिया सी टीम ने अपने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को चोट की वजह से खो दिया था। वो मैच की दूसरी गेंद पर ही रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी सेंचुरी पूरी की। ईशान ने लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से सैकड़ा जड़ा। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 7वां शतक है। ईशान किशन का ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 2 साल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सैकड़ा जड़ा है। ईशान किशन पहले मैच में नहीं खेल पाए थे। इस खिलाड़ी को चोट लगी थी जिसके चलते वो पहले मुकाबले से बाहर रहे, लेकिन फिट होते ही ईशान किशन ने अपना जलवा दिखा दिया। ईशान ने इंडिया बी के गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई की, खासतौर पर स्पिनर्स उनके निशाने पर रहे। वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने बेहतरीन अंदाज में खेला और मौका मिलने पर उन्होंने किसी कमजोर गेंद को नहीं बख्शा। ईशान ने 111 रनों की शानदार पारी खेली। ईशान किशन के लिए दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट बेहद अहम है। वो पिछले काफ़ी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और अगर इस टूर्नामेंट में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय सेलेक्टर्स उनके नाम पर आगे विचार कर सकती है। वैसे ईशान हाल ही में बुच्ची बाबू टूर्नामेंट भी खेले थे जहां उन्होंने शतक लगाया था। अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में उनका चयन तो नहीं हुआ, लेकिन टी20 सीरीज़ होनी बाकी है। 3 मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में जगह बनाना ईशान किशन का बड़ा लक्ष्य होगा और टी20 सीरीज़ में ईशान किशन की वापसी हो सकती है। क्योंकि अगर बात करें भारत के शेड्यूल की तो भारत को बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, उससे पहले बांग्लादेश से 3 टी20 हैं। तो ऐसे में इन टी20 सीरीज़ के लिए शायद टीम इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो वनडे और टेस्ट और टी20 तीनों का हिस्सा होते हैं उन्हें रेस्ट मिल जाएगा, जैसे कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत जैसे कुछ खिलाड़ी शायद बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। तो वहां पर अगर ऋषभ पंत नहीं होंगे तो फिर विकेटकीपर का ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा और संजू सैमसन का फॉर्म देखते हुए शायद सेलेक्टर्स उन्हें सेलेक्ट ना करें। तो ऐसे में ईशान किशन अगर दलीप ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज़ में ईशान किशन की वापसी हो जाए और वहां से उनके लिए टीम इंडिया का दरवाज़ा खुल जाए। अगर वो टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हो सकता है कि टेस्ट और वनडे में भी ईशान किशन एटलीस्ट बैकअप विकेटकीपर के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि ऋषभ फ्रंट लाइन ऑप्शन रहेंगे चाहे वो वनडे की बात करें चाहे टेस्ट की बात करें। तो वहां पर एक बैकअप विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन अगर लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे तो उन्हें ध्रुव जुरैल से या के राहुल से या संजू सैमसन से ऊपर चुना जा सकता है। अब ईशान किशन की किस्मत भी उनके ही हाथों में है। अगर दलीप ट्रॉफी में वो इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वो फिर से टीम इंडिया के लिए खेलने लगेंगे। और वहाँ पर अगर बात करें श्रेयस अय्यर की तो श्रेयस अय्यर का फॉर्म लगातार ख़राब चल रहा है जिसके चलते उन्हें शायद ही अब टीम में वापसी का मौका मिल पाए, बट ईशान किशन के सितारे जो है वो बहुत बुलंद चल रहे हैं और ऐसे ही वो अगर परफॉर्म करते रहे तो बहुत जल्द वो टीम इंडिया के लिए कमबैक करेंगे।